हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। सो आई हैव ब्राउट अ न्यू लेसन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेसन। शालू मर्दा थी मक्का, ठीक है। शालू मर्दा थी मक्का का हिंदी मीनिंग नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ अ नेम, यह एक नाम है। नाम किसका? इन महिला का, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। शालू मर्दा थी मक्का, ये जो नाम है, एन इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब होता है पर्यावरणविद, ठीक है। एक पर्यावरणविद है। पर्यावरणविद का मतलब होता है जो पर्यावरण के बारे में अच्छे से जानकारी ले, पर्यावरण की रक्षा करे, उन्हें पर्यावरणविद कहते हैं। तो एन इन्वायरमेंटलिस्ट है, इज़ वन ऑफ द वेल नोन, और एकमात्र जिसे जाना जाता है, ऐसा पर्सनालिटीज, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे जाना जाता है कर्नाटका का, ठीक है। एक अच्छी जानी मानी पर्सनालिटीज है, व्यक्तित्व है कर्नाटक की। कौन? शालू मर्दा थी मक्का, ठीक है। सी हैज़ अर्नड, मतलब उन्होंने अर्जित किए। अर्नड मतलब होता है अर्जित करना, ठीक है। तो उन्होंने अर्जित किए रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। ड्यू टू हर एंटायरिंग इफोर्ट्स, एंटायरिंग मतलब होता है अथक, इफोर्ट मतलब होता है प्रयास। तो अथक प्रयासों से उन्होंने अपनी पहचान अर्जित की। इन प्लांटिंग, प्लांटिंग मतलब वृक्षारोपण, एंड टेंडिंग, टेंडिंग मतलब होता है रख रखाव, वृक्षारोपण किया और साथ में उनका रख रखाव भी की, ठीक है। देखो कितने, 284, ठीक है, 284। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री मतलब होता है बरगद के पेड़, ठीक है। अलॉन्ग द हाईवे, और साथ में, अलॉन्ग मतलब होता है साथ में, द हाईवे कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर के दूरी तक पूरा ये कवर किया इन पेड़ को लगा करके, ठीक है। मतलब केवल 284 इसी जगह में नहीं, और दूसरी जगह भी लगाई होगी, या 4 किलोमीटर के अंतराल में जो हाईवे था वहाँ पर उसे कवर की, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हर परसिस्टेंट वर्क, परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़, ठीक है, किसी कार्य में दृढ़ होना। तो परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़ वर्क, मतलब कार्य, अपने इस कार्य, दृढ़ कार्य से हैज़ अर्न्ड, उन्होंने अर्जित की सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया, मीन्स सी हैज़ बीन ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब उसे सम्मानित किया जा चुका है, विथ द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित नेशनल सिटीजन्स अवार्ड, मतलब राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार ऑफ इंडिया, भारत की ओर से, फॉर हर, क्या चीज़ के लिए, उनके सेल्फलेस वर्क्स, सेल्फलेस वर्क्स मतलब हुआ निस्वार्थ सेवा या निस्वार्थ कार्य के लिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको कौन सा अवार्ड मिल चुका है शालू मर्दा थी मक्का जी को? राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार भारत की ओर से, उनके निस्वार्थ कार्य के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में। सी आल्सो हैज़ अ US इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इनके पास एक संस्था भी है, संगठन भी है, US इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब US पर्यावरणीय संस्था, ठीक है। कार्ल थी मक्काज रिजोर्स, रिजोर्स मतलब होता है संसाधन, इसे थी मक्का का संसाधन भी कहा जाता है। किसके लिए? इन्वायरमेंटल एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर, मतलब पर्यावरण शिक्षा के लिए थी मक्का के संसाधन इस नाम से भी पुकारा जाता है, और उनके संगठन का नाम है US इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। शालू मर्दा थी मक्का, अ ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब पूरा इतिहास शालू मर्दा थी मक्का का, ठीक है। शालू मर्दा थी मक्का वॉज बॉर्न इन अ विलेज, मतलब शालू मर्दा थी मक्का का जन्म जो है हुआ था इन अ विलेज, गांव में हुआ था, नेम्ड हुलीकल। देखो जिस गांव में शालू मर्दा थी मक्का का जन्म हुआ उस गांव का नाम है हुलीकल। दैट फॉल्स अंडर, जो आता है, ठीक है, किसके अंदर आता है? द मगधी, ठीक है, मगधी तालुक, यहाँ पे तालुक मतलब तहसील होगा, ठीक है, तो मगधी तहसील के अंदर आता है, ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के मगधी तहसील के अंदर आता है, और ये जो है पड़ता है रूरल डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है ग्रामीण जिला में पड़ता है, ठीक है। सी वॉज नोन एज अ थीमक्का देन, उस समय उसे थीमक्का के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो कभी स्कूल गई ही नहीं, और या गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, और कभी कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। फ्रॉम एन अर्ली एज, ठीक है, और बहुत ही कम उम्र में, अर्ली एज मतलब कम उम्र में, सी वर्कड
वह काम कर रही थी एज ए लेबरर, लेबरर मतलब मजदूरी का काम कर रही थी इन क्वारी, क्वारी मतलब हुआ खदान में, ठीक है, क्वारी मतलब खदान, नियर हर होम, जो उसके घर के पास नहीं था। सी वॉज मैरिड, जब उसकी शादी हुई, किसे हुई उसकी शादी, मैरिड ऑफ टू चिक्के, उसके हस्बैंड का क्या नाम था, चिक्के, तो उसकी शादी हुई चिक्के के साथ। अ कैटल हेडर, कैटल मतलब होता है पशु और हेडर मतलब होता है चरवाहा, तो किसके साथ हुई, पशु चरवाहे के साथ में उसकी शादी हुई। द कपल वॉन्टेड टू चिल्ड्रन, वो जो कपल थे वो बच्चे चाहते थे, बट वे आर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ, लेकिन अपने शादी के 25 साल के लाइफ में भी वे बच्चे पाने में असमर्थ रहे। वन डे द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लिप्स, मीन्स यहाँ पर यह हुआ एक दिन या एक बार द हस्बैंड वाइफ ड्यू मतलब पति और पत्नी ने, ड्यू दोनों ने निर्णय लिया टू प्लांट, प्लांट मतलब पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, टू ओवरकम द सैडनेस, सैडनेस मतलब अपने दुख और एम्प्टी फीलिंग मतलब अकेलेपन को, अपने जीवन के अकेलेपन और दुख को या उस पर विजय पाने के लिए, ठीक है, या उसे हटाने के लिए क्या लगाएंगे, वो प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाएंगे, ठीक है। पति पत्नी दोनों ने मिलकर निर्णय लिया था, दैट वॉज अराउंड 50 ईयर्स एगो, ये 50 साल पहले की बात है, ठीक है। फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से स्टार्टेड अ जर्नी, वहाँ से इनका क्या हुआ, इस यात्रा की शुरुआत हुई, कैसे यात्रा, देखो, ऑफ अनटायरिंग लव, अथक प्रेम, ठीक है, अनटायरिंग लव, अथक प्रेम एंड सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस सर्विस मतलब होता है निस्वार्थ सेवा, ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल, किसके द्वारा निस्वार्थ सेवा, ऑर्डिनरी कपल, एक सामान्य दंपति के द्वारा, ठीक है, टूवर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, किसकी ओर, एक सामान्य दंपति जो किसने शुरुआत की, किसकी ओर शुरुआत की, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण उद्देश्य की ओर, ठीक है। अ मिशन टू राइज, एक ऐसा मिशन जिसमें उगाना है एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना पेड़ उगाना, विथ लव एंड केयर, साथ में प्यार और देखभाल, एंड और एज देयर ऑन चाइल्ड, जैसे कि वो खुद के बच्चे हो, ऑन चिल्ड्रन मतलब खुद के जैसे वो बच्चे हो, कहने का मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक सामान्य दंपति जो है एक असाधारण वर्क करता है और पेड़ उगाने की कोशिश करता है जितना भी संभव हो सके, और उसे क्या देना, बहुत सारा प्यार देना, जैसे कि वो खुद के बच्चे हैं।